Hey, good morning friends and welcome back to another vlog. It's a very very bright morning. आज बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे है. तो जैसे ही फ्राइडे आता है, मतलब पहले वाली फीलिंग भी यही होती थी और आज की फीलिंग भी यही है. मतलब अगर मैं पहले वाली फीलिंग की बात करूँ तो मैं कोविड से पहले की बात कर रही हूँ कि जब फ्राइडे आता था तो ऐसा लगता था कि बस 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 सारा स्ट्रेस ना ऐसे टप 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 करके निकलने वाला है और अब तो वीकेंड आने वाला है. तो अभी भी कुछ कुछ हद तक वही है क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर लोगों का जो काम है, जो ऑफिस का काम है, वो वर्क फ्रॉम होम है. तो सैटरडे संडे ऑफ होता है तो एटलीस्ट फैमिली के साथ थोड़ा सा एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है. और एकदम से वो कहते हैं ना, वो रूटीन टाइम टेबल जो एक बंधा होता है कि अब उठना है, फटाफट से उठो, फटाफट से काम करो, तो वो सब चीज़ें सैटरडे संडे में होपफुली और टच वुड नहीं होती हैं. हम लोग के साथ तो नहीं होती हैं. मतलब हम थोड़ा सा ऐसे लेज़ी हो जाते हैं. तो मतलब लेज़ी इन द सेंस कि हाँ, आराम आराम से कर लेते हैं काम. काम तो सारे ही करने पड़ते हैं. तो वो चीज़ है. बस चलिए, कबीर गया है नहाने. एज़ यूजुअल वही सुबह का रूटीन है और मेरे को बुलावा आने ही वाला है बस कुछ देर में. और उसके बाद चलते हैं हम नहाने के लिए. हाँ, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना. कर्ल्स अच्छे लग रहे हैं. पहले मेरे बाल पता है बिल्कुल स्ट्रेट थे, बिल्कुल स्ट्रेट. मतलब मुझे स्ट्रेटनिंग करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बहुत कम ऐसा होता था कि मुझे स्ट्रेटनिंग कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, वरना मेरे बाल हमेशा स्ट्रेट ही थे. बट आफ्टर कबीर, मतलब कबीर के बाद मेरे बालों में ड्रास्टिक चेंज आया है. ड्रास्टिक चेंज, सीरियसली. मतलब मुझे पहले ना ऐसे बहुत बाल बहुत अच्छे लगते थे कि स्ट्रेट और कर्ल्स, स्ट्रेट और कर्ल्स. और अब मेरे वही हो गए हैं अपने आप. मुझे कर्ल्स, मैंने जितनी भी, अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे, अगर मेरी आप मेकअप ब्रश वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कोई कर्ल नहीं करे हैं. वो मेरे खुद के ही अपने कर्ल्स बने हुए हैं. और अभी वाली जो मैंने कलर बोर्ड वाली जो मैंने वीडियो करी थी उसमें भी मैंने कर्ल्स नहीं करे हैं, अपने आप ही मेरे कर्ल्स बन गए. तो पता नहीं, या तो विश थी जो भगवान ने पूरी कर दी कि स्ट्रेट और नीचे से कर्ल्स. और अभी भी देखो, मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं, क्लिप निकाला है बालों से और अच्छे से कर्ल्स कर्ल्स से होने शुरू हो गए. जब मुझे करनी होती है, मैं स्ट्रेटनिंग तो ज़रूर कर लेती हूँ बट मैं कर्ल्स बिल्कुल नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से कर्ल्स करने भी नहीं आते. मैं सीखूंगी, मतलब ट्राई करूंगी. एक दो बार ट्राई करे हैं मैंने. और बस मैं भी बहुत सारी मेकअप वीडियोज़ बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं अपनी जो रिंग लाइट है और जो ट्राईपॉड है वो मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे भूल आई हूँ. एंड में मुझे याद आया था जब हम लोग निकलने वाले थे कि अरे यार, रिंग लाइट तो रखी नहीं. तो फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि सारा लगेज आप खोलो और उसमें वो फिट करो. तो हमने कहा ठीक है, कोई नहीं, नई ले लेंगे या बाद में देखेंगे. बस चलिए, दिन की शुरुआत करते हैं. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग. मतलब इस समय ये सॉन्ग मेरे सुबह शाम हर समय बज रहा है, हर समय. आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा. दिस इज अ हूर नूर नूर फ्रॉम हिंदी मीडियम. ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग. सीरियसली आई लव दिस सॉन्ग. मीट आर कोको माई. हेलो हेलो. फ्रेश हो गए कोको माई? कोको माई, कोको माई. कौन सा सॉन्ग लगाओ? नूर नूर सॉन्ग को बोल रहा है, हुर सॉन्ग लगाओ. अभी हो रहा है टाइम 3:30 का और अभी मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए जा रही हूँ. मतलब देखते हैं क्या खाते हैं, सच कोई प्रिपरेशन नहीं है. तो मैंने सोचा है कि आज कबीर के लिए बनाया जाए. क्या बनाया जाए? फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज की वो ना शुरू कर दूँ रेडी में? फ्रेंच फ्राइज नहीं, क्या बनाएंगे? गोलगप्पा. गोलगप्पा. ओह गॉड, इतने सारी डिमांड है. नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ वाइट पिज्जा. मम्मा बाल तो छोड़. सो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ी सी इडली बनाती हूँ क्योंकि दाल रखी हुई थी तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा खट्टापन उसमें डाल के इमली के साथ, तो इसका काम चल जाएगा. और पूछती हूँ विक्रांत से, विक्रांत को क्या खाना है. तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं. मतलब इडली तो फाइनल है. उनसे पूछती हूँ कि अगर उन्हें डोसा खाना है तो प्लेन डोसा बना दो. और मुझको वाइट अप्पा खाना है. मुझको वाइट अप्पा खाना है, पापा को डोसा खाना है. तो चलिए किचन में जाके मिलते हैं. सो गाइस, दिस इज माय इडली साचा. और तो मैं बस एक ये ऊपर वाली लेयर ही बनाने वाली हूँ. दैट्स इनफ फॉर मेरे और कबीर के लिए. तो लेट्स स्टार्ट.
रेडी. चलो उसको निकालते हैं आराम से. क्लोज योर आईज एंड नाउ ओपन. गम गम गम. नाइस. चलो लेट्स स्टार्ट. केयरफुल. चलो आराम आराम से. सो गाइस, आज पहली बार कबीर अपने आप से पानी लेकर आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी. बस 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 ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ. थैंक यू. तो कबीर इतना बड़ा हो गया कि एक ग्लास पानी दे सकता है. वेरी नाइस. तो बाबू हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि एक ग्लास पानी पिला है ना. आप वाइट पिज्जा के लिए क्या बोल रहे थे? अगर मम्मा नहीं बनाएंगी तो पापा बना देंगे. पापा को तो पूछा आपने कभी कि पापा व्हाइट पिज्जा बनाओगे या नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे. बनाओगे. बेटा पापा ने तो ना ये सबसे पहले एक शर्त रखी थी कि नो किचन. है कभी कबीर व्हाइट पिज्जा? अच्छा व्हाइट पिज्ज़ा. वैसे अगर अब तक तो पता चल ही गया होगा इडली को ये व्हाइट पिज्ज़ा बोलता है. तो देखो देखो देखो. ठीक है बेटा, पापा ने डे वन ही मना कर दिया था कि नो किचन. ओके आप व्हाइट पिज्ज़ा बनाना सीखोगे? पहले मुझे ये बताओ, बिग बड़े होकर आप बनाओगे? आप शेफ बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे? डॉक्टर नहीं बनोगे, फिर क्या बनोगे? अच्छा आज शेफ बनोगे? आज ये शेफ है आज. आज कबीर शेफ है. ओके 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 ठीक है. और क्या क्या बना के खिलाओगे जब आप शेफ बन जाओगे? मैं हप्पा बनाऊंगा नाइट में और मॉर्निंग में. नाइट में और मॉर्निंग में हप्पा बनाऊंगा. छोटे बेबी बने रहोगे क्या? छोटा बेबी छोटा बेबी. और कबीर ये जो आपके टॉयज हैं जो इतना मेस क्रिएट कर रखा है ये कौन क्लीन करेगा? मैं सारे टॉयज उठा के ना दे दूंगी बाहर किसी को. आपके तो टॉयज हैं लेकिन ये जो इतना मेस कर रखा है मम्मा हमेशा क्लीन करते हैं और फिर आप मेस कर देते हो. ये साइकिल क्या कर रही है तुम्हें? ड्राइव कर रहे हो? ड्राइव करके कहाँ जाओगे? ऑफिस जाओगे? ओके. अच्छा बस हाउस में जाओगे, बाहर नहीं जाओगे? गुड. बाहर क्या है? ड्यूटी है. एंड और क्या बताया था मम्मा ने? जॉर्म्स हैं बहुत सारे, है ना, इसलिए बाहर नहीं जाते. चलो स्टार्ट. 1 2 3 गो. स्लो स्लो. सो गाइज, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है तो बस मैं ये एडिटिंग कर रही थी. तो चलिए मिलती हूँ फिर कल सुबह आपसे अपने नए व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. तब तक के लिए बाय.